आदित्य देविका जी के साथ लंच पर आया तो उन्होंने उसे एक बार फिर से रेवती से शादी करने पर राजी करना चाहा, लेकिन आदित्य ने साफ मना कर दिया। तब देविका जी ने उसे खुलेआम धमकी दी कि अगर उसने उनकी बात नहीं मानी तो वो अपर्णा और उसके बेटे को खो देगा। आदित्य गुस्से में उन्हें उल्टा धमकियां देकर चला आया। आदित्य अपना गुस्सा शांत करके वहां से निकलने ही वाला था कि तभी उसका फोन बज उठा। उसने स्क्रीन पर नजर डाली तो वहां एक अननोन नंबर फ्लैश हो रहा था। आदित्य ने कॉल पिक करते हुए पूछा, हेलो कौन? दूसरी तरफ से एक लड़की की आवाज उभरी, इतनी जल्दी भूल गए जबकि मैं यहाँ तुमसे जन जन का नाता जोड़ने बैठी हूँ। आदित्य ने रेवती की आवाज पहचानते ही कहा, पता है रेवती, एक कहावत है, बिल्ली को सामने देखकर कबूतर अपनी आंखें मूंद लेता है और ये सोचता है जैसे उस पर आने वाला खतरा टल गया, जबकि ऐसा होता नहीं है और कुछ ही पलों में उसकी जान चली जाती है। तो मेरा तुमसे भी यही कहना है, जिस तरह तुम अपनी चाल चलकर अपने आने वाले खतरे को नजरअंदाज कर रही हो, वो तुम्हें भारी पड़ने वाला है। मुझे जन जन तक हासिल करने का सपना देखने से तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि इस जन्म में तो क्या, आदित्य अगले 7 जन्म तक अपर्णा को अपनी पत्नी मान बैठा है। आदित्य की बात सुनकर दूसरी तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। आदित्य ने आगे कहा, और फिर ठंडे दिमाग से सोच कर देखो, मुझे पाकर भी तुम्हारा क्या फायदा, जब मैं दिल से कभी तुम्हारा हो ही नहीं पाऊंगा। इसलिए बेहतर होगा ये उल्टे सीधे हथकंडे अपनाना बंद कर दो, तुम्हें मैं नहीं मिलने वाला। तुम ये सब करके बस अपना नुकसान करने वाली हो और कुछ नहीं। तब रेवती ने उसे गुस्से से तिलमिलाते हुए कहा, वैसे मानना पड़ेगा उस लड़की में कुछ तो ऐसी बात है जो तुम अपने डैड को जेल में सड़ने के लिए छोड़ने पर राजी हो, पर ना कोई भी होशमंद बेटा सबसे पहले अपने परिवार को संभालने के लिए ही फिक्रमंद रहता है। आदित्य ने उसकी बात सुनकर कहा, मेरे डैड की फिक्र तुम मत करो रेवती, मुझे मालूम है कि मुझे उन्हें कैसे छुड़ाना है। रहा सवाल तुमसे शादी करने का, तो तुम उसके ख्वाब देखना छोड़ दो, ये कभी नहीं होने वाला। कहकर आदित्य ने कॉल कट कर दी, जबकि दूसरी तरफ रेवती गुस्से से फुफकारते हुए खुद से बोली, शादी तो तुम्हें मुझसे करनी पड़ेगी आदित्य, अब ये वक्त तय करेगा कि कैसे। जेल की बदबूदार दीवारों के बीच बेचैनी से चहलकदमी करता हुआ एक साया ठिठक सा गया, जब बाहर से किसी ने उसे पुकार कर कहा, कैदी नंबर 427 आपसे मिलने कोई आया है। सफेद रंगत और ग्रे हेयर्स वाला वो शख्स सलाखों के पास आकर बोला, मुझसे मिलने इस वक्त? इंचार्ज ने कहा, हाँ वो बहुत दूर से आई है, इसलिए उनके रिक्वेस्ट पर जेलर साहब ने उन्हें आपसे मिलने की परमिशन दे दी है, मेरे साथ आइए। इतना कहकर इंचार्ज आगे चलने लगा, यहाँ तक कि रजत जी को उससे और कुछ पूछने का मौका ही नहीं मिला। वो खामोशी से भारी कदमों से चलते हुए इंचार्ज के पीछे पीछे आ रहे थे। तभी विजिटिंग एरिया में आकर ग्लास वाली दूसरी तरफ खड़ी औरत पर नजर पड़ते ही उन्हें ऐसा लगा जैसे वो कोई सपना देख रहे हों। उनके होंठ आपस में टकराते हुए बोले, आरती रॉय, और फिर उनके कदमों में एकदम से तेजी से आ गई। उन्होंने एकदम से ग्लास वॉल के पास आकर बेचैनी से आरती जी को पुकारा, आरती तुम यहाँ? मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ? आरती जी जो सलाखों की तरफ से पीठ किए खड़ी थी, वो एकदम से अपना नाम सुनकर बेचैनी से पीछे पलट गई, और फिर आरती जी की नजर सामने से आते हुए रचित जी पर गई और जैसे कि वो पलके झपकाना भूल गई। आज इतने सालों बाद भी उनकी चाल में वही रौब था। उनके चलने के अंदाज से ही ये पता चल रहा था कि वो इंसान कोई मामूली इंसान नहीं, बल्कि किसी रॉयल फैमिली से ताल्लुक रखता है। जबकि इतने सालों बाद आरती जी को अपने सामने देखकर रचित जी को भी यकीन करना मुश्किल हो रहा था। आरती जी तेजी से सलाखों के पास आकर खड़ी हो गई थी। दोनों न जाने कितनी ही देर से एक दूसरे को देखते हुए बात करने को शब्द तलाश रहे थे। काफी देर बाद लेकिन दोनों में से किसी को भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। काफी देर बाद आरती जी ने धीरे से पूछा, कैसे हो रचित? रचित जी ने यह सुनकर चौंकते हुए उनका चेहरा देखा तो उन्होंने महसूस किया कि बचपन में वो दोस्त थे, फिर जवानी में प्रेमी हुए, और आज वक्त ने उनके बीच एक फॉर्मल बेगानापन ला दिया था। रचित जी ने फिर उसी तरह धीमे लहजे में जवाब दिया, ठीक हूँ मैं भी, हम कितने सालों बाद मिल रहे हैं ना? आरती जी ने आंसू भरी आंखों को जबरदस्ती रोकते हुए कहा,
हाँ, लगभग 20 साल बाद। तब रचित जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम्हारे बालों में ये सफेदी नहीं होती तो मैं इस बात पर कभी यकीन नहीं करता कि हमें बिछड़े हुए 20 साल हो चुके हैं। इस पर आरती जी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट बिखर गई थी। तब रचित जी ने कुछ चौंकते हुए कहा, लेकिन मैं ये सोचकर हैरान हूँ कि इतने सालों बाद आज जब मैं जेल में हूँ तो तुम्हें पता कैसे चला कि मैं यहाँ हूँ और तुम मुझसे मिलने चली आई। आरती जी ने एक गहरी सांस ली और कहा, क्योंकि जो रिश्ता हमारे बीच पनपते हुए अधूरा रह गया था, वो रिश्ता अब हमारे बच्चे निभा रहे हैं। ये सुनकर रचित जी कुछ चौंक से गए। उन्होंने कंफ्यूज्ड लहजे में पूछा, मैं कुछ समझा नहीं, तुम किस बारे में बात कर रही हो? तब आरती जी ने उन्हें अपर्णा और आदित्य के बारे में बताते हुए कहा, हमारी ही तरह वो दोनों भी अचानक से मिले और दोनों में प्यार हो गया। रचित जी के मुंह से निकला, अरे वाह। आरती जी ने आगे कहा, वैसे अगर कोई आदित्य को एक नजर देख लेगा तो उसे पहचानते देर नहीं लगेगी कि वो आपका बेटा है। आपकी तरह शांत और सौम्य आदित्य एक परफेक्ट लड़का है। आदित्य की इतनी तारीफ सुनकर रचित जी ने एक ठंडी आह भरी। उनका बेटा, जिसे दुनिया के सारे लोग सराहते थे, उसकी अच्छी बातों की तारीफ करते थे, उनका वही बेटा रचित जी के लिए बिल्कुल उलट था। अभी रचित जी ये सब सोच ही रहे थे कि तभी आरती जी ने उनके सामने एक और खुलासा करते हुए कहा, थोड़ी हैरत इस बात के लिए भी बचा कर रखिए कि अपर्णा और आदित्य का एक बेटा भी है। ये खबर रचित जी के लिए और भी सरप्राइजिंग था। उन्होंने खुशी से आह भरते हुए कहा, मेरे बेटे की जिंदगी में इतना सब कुछ हो गया और मुझे खबर तक नहीं लगी। कितना बदनसीब बाप हूं मैं, जो अपने बेटे की खुशियों का ख्याल भी नहीं रख सका। तब आरती जी ने उन्हें हौसला बंधाते हुए कहा, रचित, मैं महसूस कर सकती हूँ कि तुम दोनों के बीच हालात कुछ ठीक नहीं है, और जहां तक मुझे खबर है शायद इसकी वजह भी मैं ही हूँ, लेकिन शायद तुम दोनों ही अपनी जगह गलत नहीं हो। आरती जी ने फिर उन्हें दिखाने के लिए शुभम की एक फोटो निकाली। रचित जी ने जैसे ही शुभम की तस्वीर देखी तो कहा, अरे ये तो बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसा बचपन में आदित्य दिखता था। आरती जी ने अपनी छलकती हुई आंखों को साड़ी के पल्लू से पोंछते हुए हाँ में सर हिलाया और बोली, मुझे यकीन है आप एक दिन जल्दी ही यहाँ से बाहर निकलेंगे और अपने पोते से मिलेंगे। रचित जी ने भी खुश होकर हाँ में सर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल, तुम्हारा यहाँ आना मेरे लिए कितना शुभ है आरती। तुमने आते ही मुझे एक साथ कितनी ही खुशखबरियां दे दी, थैंक यू सो मच। तब आरती जी ने कुछ देर की चुप्पी के बाद कहा, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। आरती जी ने ये बात कुछ इस अंदाज में कही कि रचित जी को बरबसी सालों पहले की वो बात याद आ गई, जब वो ऐसे ही अपर्णा की खराब तबीयत की वजह से इलाज के लिए उनके पास गुहार लगाने आई थी। उन्होंने आरती जी को वैसे ही जवाब दिया, तुम्हें मुझसे इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है आरती, तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकती हो। तब आरती जी ने कहा, आदित्य और अपर्णा एक दूसरे के लिए ही बने हैं, लेकिन उनकी किस्मत बार बार उन्हें एक दूसरे से दूर करने में लगी रहती है। मगर इस बार मैं चाहती हूँ कि दोनों एक साथ जिंदगी गुजारें, पर देविका ऐसा नहीं चाहती। मैं बस आपसे यही कहने आई हूँ कि आप देविका को समझाइए, हम एक नहीं हो पाए क्योंकि हमारी राह में बहुत सारी अड़चने थी, लेकिन आदित्य और अपर्णा चाहे तो एक हो सकते हैं। उनके रास्ते में सिर्फ और सिर्फ देविका दीवार बनकर खड़ी है। मुझे लगता है उन्हें इस बात का पूरा हक है कि वो अपने बेटे के साथ एक फैमिली की तरह जिंदगी गुजार सके। बताओ ना रचित, क्या तुम मेरा इतना सा काम कर सकते हो? आरती जी की बात सुनकर रचित जी कुछ देर के लिए खामोश हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें इस बात के लिए खुद पर ही यकीन नहीं था कि वो देविका जी को आदित्य और अपर्णा के रिश्ते के लिए मना लेंगे। लेकिन कुछ देर सोचने के बाद रचित जी ने गहरी सांस ली और जैसे मन ही मन फैसला करते हुए बोले, आज इतने सालों बाद तुमने मुझसे कुछ मांगा है आरती, मैं चाहूंगा कि मैं जान देकर भी उस चीज को पूरा करूं। उसके बाद रचित जी ने सलाखों पर टिके आरती जी के हाथ पर अपना मजबूत हाथ रखते हुए कहा, मैं तुमसे वादा करता हूं आरती कि जो दुख हम दोनों ने काटे हैं वो मैं अपने बच्चों को नहीं काटने दूंगा।
मैं देविका से बात करूंगा और किसी भी कीमत पर उसे अपर्णा और आदित्य की शादी कराने के लिए मना लूंगा। बस एक बार मुझे इस चार दीवारी से निकलने दो। आरती जी से ये सब कहते हुए न जाने कितने ही अतीत के पल रचित जी की नजरों के सामने से गुजर गए। उन दोनों का अचानक से अलग होना, फिर अंडरवर्ल्ड से ताल्लुक रखने वाली फैमिली की बेटी देविका से गन पॉइंट पर उनकी शादी होना, और फिर जब देविका जी को ये लगा कि उन्हें अपना रिश्ता दुनिया के सामने कामयाब दिखाने के लिए एक बच्चे की जरूरत है, तब उन्होंने रजत जी को नशीली दवाई देकर उन्हें वो सब करने पर मजबूर कर दिया जिसे वो हमेशा अवॉइड करते आए थे। आदित्य इन सब का नतीजा था। उसके बाद रजत जी ने यही सोच कर रखा था कि जब कुछ सालों बाद देविका जी की जिद खत्म हो जाएगी तो उनसे डाइवोर्स लेकर अलग हो जाएंगे, लेकिन आदित्य की पैदाइश के बाद वो चाहकर भी ऐसा कुछ नहीं कर सके, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह से पता था कि अगर देविका जी जिद पे आ गई तो वो उन्हें उनके बच्चे के नाम पर ब्लैकमेल कर सकती है। इस तरह रजत जी देविका जी के चक्रव्यूह में फंसते चले गए। और फिर जब देविका जी ने आरती जी और रजत जी के बीच नजदीकियां बढ़ती हुई देखी तो वो अपनी फैमिली के साथ ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गई। सब याद करते हुए रजत जी की आंखें कहीं शून्य में खोई हुई थी। तब आरती जी ने उन्हें टोकते हुए कहा गुम हो गए? रजत जी ने जैसे नींद से जागकर मुस्कुराते हुए कहा, अतीत के सफर पर जहां हम दोनों कभी एक हुआ करते थे। खैर, मैं तुम्हें ये कह रहा था कि तुम बेफिक्र रहना, हमारी कोशिशें कामयाब होंगी। जो जिंदगी हम नहीं जी सके वो हमारे बच्चे जरूर जिएंगे, मुझे यकीन है। आरती जी अभी कुछ और बातें कर ही रही थी कि तभी इंचार्ज ने आकर कहा, सॉरी सर, अब आपको वापस चलना होगा। आपकी बात थी इसलिए हमने इस मीटिंग की ड्यूरेशन 10 मिनट से बढ़ाकर आधे घंटे रखी थी। आधा घंटा पूरा हो गया। रचित जी खुद भी काफी डिसिप्लिन्ड इंसान थे, इसलिए उन्होंने हामी भरते हुए कहा, यस यू आर राइट ऑफिसर, बस 2 मिनट दीजिए। कहकर वो एक बार फिर से आरती जी की तरफ मुड़ गए। आरती जी ने उन्हें अलविदाई नजरों से देखते हुए कहा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया रचित। आइंदा अगर हम ना भी मिल सके तो भी मैं ये मुलाकात हमेशा याद रखूंगी। उम्मीद है तुम जल्दी बाहर निकलोगे, क्योंकि देर सबेर ही सही लेकिन सच्चाई ज्यादा दिनों तक छुपाई नहीं जा सकती। रचित जी ने हाँ में सर हिलाया और दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हुए उल्टे कदमों से चलते हुए कमरे से बाहर आ गए। आरती जी विजिटिंग रूम से बाहर निकलते ही दीवार का सहारा लिए फूट फूट कर रोने लगी। आज इतने सालों बाद उन्हें रचित जी का चेहरा देखने को मिला था तो वो भी किस हाल में, लेकिन उन्हें सामने देखकर आरती जी को बेहद खुशी भी हुई थी। अपर्णा आदित्य के साथ डिनर करने आई हुई थी। अभी वो आदित्य से बातें कर ही रही थी कि तभी उसका फोन बज उठा। दूसरी तरफ डॉक्टर समर थे। अपर्णा उसकी ऐसे अचानक से कॉल देखकर कुछ चौंक सी गई थी। उसकी कॉल पिक करते ही समर ने एकदम एक्साइटेड लहजे में कहा, अपर्णा एक बेहद अच्छी खबर है, शुभम के ट्रांसप्लांट के लिए परफेक्ट मैच मिल गया है। क्या शुभम के लिए मिलने वाला ये परफेक्ट मैच अब आदित्य और अपर्णा की जिंदगी को देने वाला था एक खूबसूरत अंजाम, या फिर बदल जाने वाले थे सारे ही रिश्ते? जानने के लिए सुने कमबख्त मोहब्बत का अगला भाग सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। आरती जी रजित जी से मिलने जेल में पहुंचती है, जहां उन्होंने रजित जी से कहा कि वो आदित्य और अपर्णा के रिश्ते को बचाने के लिए देविका जी से बात करें। आदित्य और अपर्णा डिनर कर रहे थे कि तभी डॉक्टर समर का कॉल आया कि शुभम के लिए मैच मिल गया है। एक पल को तो अपर्णा को अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ कि वो जो कुछ सुन रही है वो सही है या नहीं। उसने हड़बड़ाते हुए लहजे में पूछा, डॉक्टर समर क्या कहा आपने? समर ने उसके एक्साइटमेंट को समझते हुए दोबारा से दोहराया, शुभम के लिए परफेक्ट मैच मिल गया है, आप लोग जितनी जल्दी अस्पताल आ सकते हो आ जाओ, मैं सारी डिटेल्स शेयर करना चाहता हूँ। अपर्णा ने थरथराते हुए लहजे में कहा, हम बस कुछ ही देर में पहुंच रहे हैं। उसके बाद उसने कॉल कट कर दी। खुशी के मारे अपर्णा के हाथ पैर कांपने लगे थे। आदित्य ने उसे ऐसे देखा तो पूछा, क्या हुआ, समर क्या कह रहा था? तो अपर्णा ने भरी हुई आंखों से कहा, शुभम के लिए मैच मिल गया है। ये सुनकर आदित्य के होंठों पर भी एक सुकून भरी मुस्कुराहट बिखर गई थी। अपर्णा ने खुश होते हुए आदित्य को एकदम से गले लगा लिया और फिर बोली, हमें हॉस्पिटल जाना होगा,
डॉक्टर समर हमें उस डोनर के बारे में बताना चाहते हैं। आदित्य अपर्णा को लेकर सीधे अस्पताल पहुंच गया। वहां पर समर के केबिन में पहुंचते ही समर ने उनका खुशदिली से वेलकम किया और फिर उसने एक फाइल निकालकर आदित्य की तरफ बढ़ाते हुए कहा, कल ही हमारे हॉस्पिटल में रेगुलर चेकअप के लिए एक पेशेंट आया था, फिर मैंने उनके ब्लड सैंपल भी टेस्ट के लिए भेज दिए थे। समर अपनी बातें कह रहा था और आदित्य उस दौरान फाइल पर नजरें दौड़ा रहा था। जैसे ही उसने आखिरी पन्ना पलटा, वहां पर डोनर का नाम देखकर आदित्य जैसे एकदम से शांत पड़ गया। अपर्णा ने फाइल आदित्य के हाथ से ले ली और डोनर की डिटेल्स देखी तो जैसे अपर्णा के भी होश उड़ गए। डोनर का नाम था रेवती कपूर। उसने कुछ देर बाद उम्मीद भरी नजरों से आदित्य को देखते हुए कहा, मैं रेवती से इसके लिए बात करूंगी, वो जो कहेगी मैं मानूंगी, लेकिन मैं उसे मना लूंगी। कहकर वो उठने को ही थी, लेकिन तभी आदित्य ने उसका हाथ पकड़कर रोकते हुए कहा, नहीं अपर्णा, रेवती से तुम नहीं, मैं बात करूंगा। उसके बाद आदित्य ने समर से हाथ मिलाते हुए कहा, डॉक्टर समर, मेरी गैर मौजूदगी में आपने जिस तरह अपर्णा और मेरे बेटे का ध्यान रखा है, उसके लिए थैंक यू जैसा शब्द बहुत छोटा पड़ जाएगा। मैं आपके इस एहसान का बदला कभी नहीं चुका पाऊंगा। डॉक्टर समर ने एक नजर अपर्णा पर डाली और कहा, मिस अपर्णा जैसी प्योर सोल के लिए और शुभम जैसे प्यारे बच्चे के लिए मैं तो क्या कोई भी मदद को आगे आ जाएगा। डॉक्टर समर से हाथ मिलाकर आदित्य अपर्णा को लिए बाहर पार्किंग में आ गया था। बेशक इस वक्त दोनों के ही दिल बेहद खुश थे, लेकिन रेवती के बारे में सोचकर अपर्णा का दिल अनजाने डर से घबरा रहा था। आदित्य ने अपर्णा के डर भरे चेहरे पर नजर डाली और कहा, ये क्या बात हुई, आज इतने महीने बाद इतनी बड़ी खबर मिली है और तुम खुश होने के बजाय अभी भी परेशान दिख रही हो। तब उसने कार में बैठते हुए आदित्य से बेबसी भरे लहजे में कहा, हमारे ही साथ ऐसा क्यों होता है मिस्टर ओबेरॉय, आज इतने महीनों बाद हमें इतनी बड़ी खुशी मिली, लेकिन एक डर के साथ। आप खुद सोच कर देखिए मिस्टर ओबेरॉय, रेवती हमारी मदद क्यों करेगी, जबकि मैंने उसके मंगेतर को छीनने जैसा पाप किया है। आदित्य ने अपर्णा का हाथ अपने हाथों में लिया और फिर उसने महसूस किया कि अपर्णा के हाथ जरूरत से ज्यादा ठंडे हो रहे थे। उसने अपर्णा को समझाते हुए कहा, मुझे नहीं पता रेवती हमारी मदद के लिए तैयार होगी या नहीं, लेकिन मुझे चाहे इसकी जो भी कीमत चुकानी पड़े, मैं रेवती को इसके लिए मना कर ही रहूंगा। अपर्णा की आंखें धुंधली हो गई। अपर्णा अच्छी तरह जानती थी कि ये जो भी कीमत चुकाने का क्या मतलब हो सकता है। आने वाले मुश्किल वक्त के लिए अपर्णा ने अभी से ही खुद को तैयार करना शुरू कर दिया था। आदित्य ने गाड़ी स्टार्ट करते ही कहा, ये बहुत बड़ी खबर है अपर्णा, ऐसे उदास होकर मत बैठो, हमारे लिए ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि चाहे हमें कोई भी कीमत चुकानी पड़े, शुभम की जिंदगी बच जाए बस। अपर्णा ने धीरे से हाँ में सर हिलाया, लेकिन आदित्य ने कहने को तो अपर्णा को ये सब कह दिया था। वो अच्छी तरह से जानता था कि रेवती ऐसी किसी भी बात के लिए शादी की ही शर्त रखेगी, भला वो इतना बड़ा सौदा मिस क्यों करती। और इस सिचुएशन में आदित्य को अपर्णा के साथ जिंदगी चुनने के बजाय शुभम की जिंदगी ही चुननी थी। आदित्य उसे छोड़ने के लिए उसके घर की तरफ निकल पड़ा था। अपर्णा अपने ही ख्यालों में उलझी सर झुकाए आने वाले पलों के बारे में सोच रही थी। तभी आदित्य की नजर बैक व्यू मिरर पर पड़ी और वो चौंक सा गया। दो कार लगातार उनके पीछे चली आ रही थी। आदित्य ने चौंक कर कहा, हमारा पीछा किया जा रहा है। अपर्णा ने सर उठाते हुए हैरानी से पूछा, लेकिन हमारा पीछा कौन कर सकता है। अपर्णा ने फौरन अपना फोन निकाल लिया, मैं पुलिस हेल्पलाइन पर कॉल करती हूँ। तब आदित्य ने उसे मना करते हुए कहा, नहीं पुलिस को फोन मत करो, मुझे पता है ये मेरी माँ का काम है। अपर्णा के हाथ से फोन छूटते छूटते बचा। उसने हैरान होते हुए पूछा, लेकिन वो ऐसा क्यों करेंगी, क्या वो हम दोनों को नुकसान पहुंचाना चाहती हैं? आदित्य ने पूरा ध्यान ड्राइविंग पर लगाते हुए कहा, मुझे नहीं पता कि उनका इरादा क्या है। कहकर आदित्य ने डिस्प्ले पर एक नंबर डायल किया और उधर से कॉल पिक होते ही सर्द लहजे में कहा, अपने आदमियों को वापस बुलाइए। तब उधर से देविका जी ने कहा, मुझे अगर उन्हें वापस ही बुलाना होता तो मैं उन्हें भेजती ही क्यों। आदित्य ने गुस्से से एक मुक्का स्टीयरिंग व्हील पर मारते हुए पूछा, ठीक है फिर मुझे बताइए आप चाहती क्या है। देविका जी ने एक शातिर स्माइल देते हुए कहा, तुम्हें रेवती के साथ शादी करके शिमला से कहीं दूर शिफ्ट होना होगा। आदित्य ने गुस्से से जैसे एक एक शब्द चबाते हुए कहा,
सपने देखना छोड़ दीजिए माँ, ऐसा कभी नहीं होगा, कहकर वो कॉल काटने ही वाला था कि तभी देविका जी ने कहा, इंसान को कभी भी अपनी औकात से बढ़कर सपने नहीं देखने चाहिए बेटा, ये बहुत बड़ा जुर्म है और इस जुर्म की सजा सिर्फ तुम्हारी अपर्णा को नहीं बल्कि उसकी माँ और उसके बेटे को भी भुगतनी पड़ सकती है। मेरे आदमी उन तीनों का इतना नुकसान करेंगे जितना तुम सपने में भी नहीं सोच सकते हो। हाँ, अगर तुम्हें सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए तब तक के लिए मैं अपना इरादा होल्ड पर डाल सकती हूँ। अब तुम सोच लो तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारी खुद की और उन दोनों की जिंदगियां या फिर अपर्णा का साथ, जो कि पता नहीं तुम्हें मिल भी पाएगा कि नहीं। देविका जी की बातें सुनकर आदित्य की मुट्ठी भींच सी गई थी, लेकिन उसे इस वक्त समझदारी से काम लेना था। गुस्से में आदित्य काफी रफ ड्राइविंग कर रहा था, तब अपर्णा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, मिस्टर ओबेरॉय अपने आप को संभालिए। जबकि आदित्य ने उसका हाथ झटकते हुए फोन पर कहा, किस तरह की औरत हैं आप? अरे मैंने सुना था कि औरत का दिल अपने परिवार के लिए ही नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए नरम रहता है, लेकिन आपने तो संग दिली की सारी हदें पार कर दी है। अगर आपको दूसरों की जिंदगी से खेलने का इतना ही शौक है तो अपने बेटे की जिंदगी से खेलिए, मैं अपनी वजह से दूसरों को सफर करते नहीं देख सकता। कहकर उसने स्टीयरिंग व्हील एक तरफ काट कर जोर से ब्रेक लगाया और फिर बोला, आप इन तीनों को कुछ नहीं करेंगी, मैं आपकी शर्तों को करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन देवती से शादी करने की मेरी अपनी भी कुछ शर्तें होंगी, और अगर आपने मेरे साथ कोई भी गेम खेलने की कोशिश की तो मेरे साथ आप सब नरक में जाने के लिए तैयार हो जाइएगा। इतना कहकर आदित्य ने गुस्से से कॉल कट कर दी। अपर्णा उससे पूछना चाहती थी कि अभी अभी जो कुछ भी उसने फोन पर सुना क्या सच में देविका जी ने ऐसा कुछ किया है, लेकिन वो चाहकर भी आदित्य से पूछ नहीं पाई। लेकिन उसने मन ही मन डिसाइड कर लिया था कि आदित्य का जो भी फैसला होगा उसे खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेगी, क्योंकि उसे अच्छी तरह से पता था कि उसके पास ऑप्शन नहीं है। कॉल खत्म होते ही जैसे ही आदित्य ने अपनी कार स्टार्ट की, अपर्णा ने देखा उनका पीछा करने वाली दोनों कारें तेजी से आगे बढ़ चुकी थी। आदित्य ने एकदम से फास्ट ड्राइविंग करके अपर्णा के घर पहुंचने में बस कुछ ही मिनट लगाए थे। गाड़ी गेट के सामने रुकते ही अपर्णा लगभग भागती हुई अपने घर के अंदर पहुंची, और जैसे अंदर का सीन देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। हॉल में मौजूद कोई भी सामान अपने सही रूप में मौजूद नहीं था। सोफे के गद्दे जहां तहां चाकू से फाड़े गए थे। दीवार पर लगा बड़ा सा एलईडी टीवी टुकड़ों में बिखरा हुआ नीचे फर्श पर पड़ा था। जब वो सदमे की हालत में अंदर कमरों में गई तो वहाँ भी कुछ ऐसा ही सीन था। अपर्णा ने एकदम से चिल्लाते हुए आरती जी को आवाज दी, माँ तुम कहाँ हो, माँ प्लीज मुझे आवाज दो। लेकिन काफी देर तक सन्नाटा छाया रहा, फिर अपर्णा को स्टोर रूम की तरफ से कुछ आवाज सुनाई दी। अपर्णा वहाँ पहुंची तो उसने देखा कि आरती जी शुभम को गोद में उठाए दीवार के कोने से चिपकी थर थर कांप रही थी। आदित्य भी उसके पीछे पीछे जब स्टोर रूम में आया तो आंखें बंद किए शुभम ने उसकी आहट पहचानते ही एकदम से चीखते हुए कहा, डैड कुछ गुंडे हमें मारने आए थे। आदित्य ने शुभम को एकदम से बाहों में भरकर कहा, जब तक आपके डैड आपके पास है वो लोग आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे, अब आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, शांत हो जाइए। ये कहकर वो शुभम की पीठ थपथपाते हुए उसे शांत करने की कोशिश करने लगा था, और अपर्णा आरती जी को गले से लगाए उन्हें संभाल रही थी। उन दोनों की हालत देखकर आदित्य की आंखों में जैसे खून उतर आया था। उसका बस चलता तो वो अभी के अभी जाकर अपनी माँ के घर में आग लगा देता। आदित्य तब तक उन लोगों के साथ रहा जब तक कि शुभम को नींद नहीं आ गई। फिर उसने अंदर कमरे का बिस्तर खुद ही अरेंज करके शुभम को वहां पर लिटाया और फिर अपर्णा से बोला, मैं चाहता हूँ कि चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े हमें बदले में शुभम की जिंदगी मिल जाए, क्या तुम भी ऐसा ही सोचती हो? अपर्णा ने धीरे से उसका हाथ थामकर अपने माथे से लगाया और बोली, मेरे लिए शुभम की जिंदगी से बढ़कर और कुछ नहीं है। मिस्टर ओबेरॉय मैं उसकी माँ हूँ, और एक माँ अपने बच्चों की जिंदगी संवारने के लिए अपनी खुशियों की परवाह नहीं कर सकती। मुझे आपका हर फैसला मंजूर होगा, अगर किस्मत ने हमारे लिए यही तय किया है तो यही सही। लोग हमारा साथ छीन सकते हैं मिस्टर ओबेरॉय, हमारा प्यार नहीं। हम कल भी एक दूसरे के लिए थे और आगे भी हमेशा रहेंगे। अपर्णा ने ये बात बेहद मजबूती के साथ कही थी, लेकिन उसे मालूम था कि वो अंदर से कितना टूट रही है, और उसके लिए ये बात बहुत ज्यादा तकलीफ देह थी। उसके बाद आदित्य ने नम होती आंखों से अपर्णा पर
एक भरपूर नजर डाली और फिर प्यार से उसका माथा और होंठ चूमते हुए बोला, मैं तुमसे कभी दूर नहीं हूँ। इतना कहकर आदित्य तेज तेज कदमों से चलता हुआ वहां से निकल गया। अपर्णा उसे देखने के लिए खिड़की तक आई और तब तक देखती रह गई जब तक कि उसकी कार आंखों से ओझल नहीं हो गई। उसने खिड़की की चौखट से अपना सर टिकाते हुए मन ही मन कहा, मैं जानती हूँ कि मैंने आपसे बहुत बड़ी कीमत वसूली है, लेकिन मेरे पास और कोई चारा नहीं था। एक बेटे की जिंदगी बचाने के लिए माँ स्वार्थी हो गई, बहुत स्वार्थी हो गई। मैंने आपको रेवती जैसी लड़की के साथ पूरी जिंदगी बिताने की सजा दे दी है। मुझे माफ कर दीजिएगा मिस्टर ओबेरॉय, मुझे माफ कर दीजिएगा। कहते हुए वो फूट फूट कर रोने लगी। आदित्य तेजी से ड्राइव करके कुछ ही देर में देविका जी के घर आ चुका था। उसके चेहरे पर इस वक्त इतना गुस्सा था कि उसे रोकने की कोशिश करने वाले गार्ड्स भी सहम कर पीछे हो गए थे। अंदर पहुंचकर आदित्य ने देविका जी के बॉडीगार्ड से पूछा, मैम कहाँ है? उसे इतने गुस्से में देखकर बॉडीगार्ड ने कहा, आप यहीं रुकिए, मैं मैम को इन्फॉर्म करके आता हूँ। उसका इतना कहना था कि आदित्य ने एकदम से उसकी गर्दन दबोचते हुए कहा, मैंने पूछा मैम कहाँ है? आदित्य का शिकंजा इतना मजबूत था कि एक पल को गार्ड को लगा जैसे उसका दम घुट जाएगा। उसने घुटी हुई आवाज में पूल की तरफ इशारा करते हुए कहा, उधर। आदित्य ने एक झटके में उसका गला छोड़ा और पूल की तरफ बढ़ गया, जबकि गार्ड को आदित्य का वो झटका इतनी जोर से लगा कि वो सीधे फर्श पर जा गिरा था। क्या देविका जी का ये कदम आदित्य को ले जाएगा उस मकाम तक जहाँ से उसकी वापसी नामुमकिन हो जाएगी? जानने के लिए सुने कमबख्त मोहब्बत का अगला भाग सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।